तुला राशि वालों के लिए देखते हैं अप्रैल का महीना कैसे रहने वाला है। हमारे जो टैरो कार्ड्स हैं तुला राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आए हैं। अगर आपने पास्ट में कोई भी सीड्स प्लांट करें, सीड्स प्लांट का मतलब होता है कि आपने कोई भी कर्म करे हैं, मेहनत करी है अपने कार्य के लिए या अपने रिलेशनशिप के लिए या किसी भी उसके लिए स्वास्थ्य के लिए, वो इस महीने आपको रंग लाती नज़र आएगी। यानी कि अगर आपने कार्य क्षेत्र में मेहनत करी है तो आप देखेंगे कि आपके पास से निकल निकल के लोग आपके पास आ रहे हैं और आपको वो डील्स या क्लाइंट्स मिल रहे हैं। अगर आपने पास में नौकरी में आप हैं और आपने मेहनत करी अपने कार्य में, तो आपको अपने सीनियर्स की प्रशंसा मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा और आपके कार्य को रिकॉग्नाइज करा जाएगा। इसी तरह से अगर आप अपने स्वास्थ्य संबंधी रिलेटेड चीज़ों के लिए मेहनत करते आ रहे हैं, यानी कि आपने डिसिप्लिन फॉलो करा है, अपने खाने पीने को सुधारा है, तो आपको इस महीने अपने अंदर वो चेंज नज़र आएगा, स्वास्थ्य में सुधार नज़र आएगा, इसीलिए आपको अपनी सब मेहनतों का रंग नज़र आएगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि सीड्स आर वेल प्लांटेड एंड दिस इज़ अ टाइम ऑफ गेटिंग द फ्रूट्स। अब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप भी आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपके पास से, चाइल्डहुड से या कोई पुराने कॉलेज वगैरह का फ्रेंड आपको मिले और उनके साथ आप थोड़ा और अच्छा समय व्यतीत कराएं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा ध्यान अपने परिवार से आपका हट जाएगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि अपने परिवार और अपने दोस्तों में बैलेंस बना के रखें। ऐसा ना हो कि दोस्तों को टाइम देने के चक्कर में या पुराने दोस्त मिलने के चक्कर में उसकी खुशी में आप अपने परिवार को नज़रअंदाज कर दें। ये चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है, बैलेंस बना के रखना है काम, दोस्तों और परिवार में। अगर आप इस बैलेंस के साथ चलेंगे तो आपका ये महीना बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आप अगर शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया या शनिवार के दिन किसी काली चीज़ का दान करते हैं इस महीने, तो आपको थोड़ा सा सैटर्न के जो इफ़ेक्ट्स हैं, यानी कि शनि महाराज के जो थोड़े से इफ़ेक्ट्स हैं, उनसे आपको राहत मिलेगी। अगर खास करके अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है तो गजेंद्र स्तोत्रम का पाठ जरूर करें, उससे आपको कर्जा मुक्ति में जरूर मदद मिलेगी। शुभ रंग आपका है हरा और गुलाबी। शुभ अंक आपका है 3 और 1। इन अंकों का इस्तेमाल करें, इन रंगों का इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा मिलेगा।